तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं कुवैत कैसे आया, किसके थ्रू आया और मेरी पहली जॉब कौन सी थी। तो ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विपिन गुचेला। तो आज मैं कुछ अपने लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अपने करियर को लेके कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने करी और मैं आज कुवैत आया हूँ तो किसके थ्रू आया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके और आज जो मैं हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2013 में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम हैदराबाद इन 2013। तो 2013 में जब कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुआ था। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो मैंने की थी भोपाल के अंदर। तो भोपाल के अंदर अराउंड मैंने 8-9 मंथ्स काम किया था, उसके बाद मैं प्रमोट हो गया था और प्रमोट होने के बाद मैं एज अ सुपरवाइज़र प्रमोट हुआ था जब मेरी लोकेशन मेरा ट्रांसफ़र हो गया था पुणे के अंदर। तो पुणे के अंदर कुछ अराउंड मैं 6-7 महीने रहा, उसके बाद फिर मैंने जॉब स्विच कर दी बिकॉज मेरा मन नहीं लगा था घर से दूर, लिटरली बिकॉज फर्स्ट टाइम था यार जॉब और घर से दूर। मैंने सोचा नहीं था घर से दूर दोबारा जॉब करूँगा, मतलब घर से दूर फिर रहूँगा बिकॉज ऑलरेडी स्टडी करी थी, तो मैंने सोचा घर के आसपास ही जॉब करूँगा। तो फिर उसके लिए फिर मैंने जॉब स्विच करके मैंने होटल ज्वाइन किया, होटल था ललित होटल। 2014 में मैंने ज्वाइन किया था ललित होटल एज इन कनॉट प्लेस जो है, और फिर वहाँ पे कुछ महीने हुए, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ फिर से 2014 में मेरा फिर से ट्रांसफ़र हुआ था श्रीनगर होटल में। श्रीनगर का जो होटल है ललित होटल, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी लगी। मैं जितनी जगह भी आज घूमा हूँ ना आज तक लाइफ के अंदर, जो मुझे श्रीनगर लगा ना आज तक कभी नहीं लगा, लेकिन दोबारा मैं ज़रूर श्रीनगर ज़रूर जाऊँगा। मुझे अमेजिंग प्रॉपर्टी लगी ललित होटल। वहाँ पे मैंने फिर 4 महीने फिर रहा बिकॉज गर्मियों के टाइम पे सीज़न होता है ना, तो उस टाइम पे मतलब कुछ लोग गए थे, ट्रांसफ़र हुआ था, तो बहुत मज़ा आया, जॉब करी, बहुत अमेजिंग, घूमे बहुत मस्त है। उसके बाद फिर मैं वापस आया दिल्ली के अंदर, फिर मैंने फरीदाबाद में जॉब ज्वाइन करी। इन द एट्रियम होटल एक है सूरज कुंड में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन की अपनी एक नई जॉब फिर से। फिर वहाँ पे अराउंड मैंने कुछ 1.5 साल काम किया वहाँ पे मैंने एट्रियम होटल में। फिर वहाँ से मैं स्विच किया फिर से मैंने, फिर मैं गया किंगडम ऑफ ड्रीम में। किंगडम ऑफ ड्रीम में जाने के बाद फिर मैंने अराउंड वहाँ पे कुछ 8-9 महीने काम किया था। उसके बाद फिर मतलब मैंने जॉब की थी, हाँ फिर मैंने जॉब की थी अपने फरीदाबाद में, एक कैफ़े ओपनिंग हो रही थी उसकी ओपनिंग कराई मैंने। तो उसकी ओपनिंग कराने के बाद मैंने अराउंड, मुझे अभी भी याद है, 11 महीने मैंने वहाँ जॉब की थी। उसके बाद उसी बीचों बीच मैं इंटरव्यू दे रहा था बिकॉज मैंने सोचा था कि यार बाहर निकलना है, मैंने बहुत देर कर दी थी एक्चुअली बाहर निकलने में। तो मैंने सोचा कि अब कुछ लोगों को ही कुछ करना है लाइफ में, बाहर निकलना है, पैसा सेव करना है, तो वो सब सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मैंने कंसल्टेंसी, मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं भी आप लोगों की तरह नए हो, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, अब तो खैर भगवान ने यूट्यूब बना दिया तो यार यूट्यूब पर अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है प्रोवाइडेड, काफ़ी लोग करते हैं जैसे मैं आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ। तो उस वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं से पता लगा था। तो मेरी पहली जो कंसल्टेंसी जिसके थ्रू मैं बहरीन गया था, वो था तुम्हारी 7 सीज़ कंसल्टेंसी। तो 7 सीज़ के थ्रू बहरीन गया, तो बहरीन में मैं कुछ 3-4 महीने में वापस आ गया लिटरली। अब लोग पूछेंगे क्यों आ गया था, बिकॉज मुझे वहाँ जॉब पसंद नहीं आई थी, मैं जो जिस टाइप के मैं जॉब चाहता था एक्चुअली पर्सनली, तो मुझे वो चीज़ नहीं आई पसंद, तो मैं वापस आ गया। उसमें कंसल्टेंसी की कोई वो नहीं है, बिकॉज कंसल्टेंसी ने जॉब दिलवा, कंसल्टेंसी का काम है जॉब दिलवाना। उन्होंने बोला कि भाई ऑफर लेटर में इतनी सैलरी है, वो सब तुम्हें मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ था, लेकिन मुझे जॉब पसंद नहीं आई तो मैं वापस आ गया। फिर मैंने फिर से अपने घर के पास जॉब करने लगा, फिर कुछ 7-8 महीने जॉब करी मैंने। फिर से मैंने सोचा कि यार करना तो पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था उस वक्त अपनी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज पैसा लगाया और फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार चलो कुछ नहीं, एक दोबारा से शुरुआत करते हैं। मैंने अपने आप को बिल्कुल एक मोटिवेट करके रखा, मेरे घर वालों ने, मेरे रिलेटिव ने, सब ने। फिर मैं दोबारा मैंने 7 सीज़ के थ्रू फिर से गया 2016 फरवरी में। 17 फरवरी को मैं कुवैत के अंदर आया था, जो मैं पिछली जो मेरी लास्ट कंपनी थी, तो वहाँ पे मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बट जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 साल काम किया कुवैत के अंदर। फिर मैं वापस इंडिया चला गया 2018 जून में।
फिर मैंने घर के पास एक नया रेस्टोरेंट वगैरह खुला था, वहाँ पे मैं काम करा मैंने कुछ अराउंड 5-6 महीने वहीं के बीचों बीच मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे रिलीज़ मिला नहीं था, ताकि मैं यूँ यहीं पे रहकर और दूसरी कंपनी में, मेरे को जॉब तो थी मेरे पास, लेकिन जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी कुवैत के अंदर वो मुझे रिलीज़ नहीं दे रही थी। मेरे पास जॉब थी बिकॉज मैंने इंटरव्यू काफ़ी दे चुका था, मेरे पास अच्छी सैलरी अच्छी जॉब थी, तो लेकिन भैया रिलीज़ बिना रिलीज़ के मैं कंपनी चेंज नहीं कर सकता था। और मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा था, एटलीस्ट मुझे 1-2 महीना घर पे रहना है, उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इमरजेंसी चाहिए, हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन मैंने ही मना कर दी। फिर मैंने घर पे कुछ फरीदाबाद में काम किया 5-6 महीने, फिर मैं दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू आया, जिसका नाम है सना चौधरी, जिसके ऊपर मैंने कंसल्टेंसी में वीडियो बना रखी है, तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए, जितनी भी कंसल्टेंसी है सब भी सारी ट्रस्टफुल हैं, जो मैंने वीडियो बना रखी है, मेरा कोई कमीशन वगैरह नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ऑलरेडी। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बिकॉज काफ़ी लोग पूछते हैं कि मुझे बताइए क्या चीज़ है। उसके बाद फिर मैं सीधा यहाँ पे आ चुका हूँ, तो आई एम हैप्पी विद माई जॉब। बस जब टाइम मिल जाता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर नया आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे खाली आप मत जाना भाई। तो आज की वीडियो यही है, अभी तो सुबह हो रही है, 7 बज रहे हैं, अपलोड करने के बाद सुनूंगा मैं, और बहुत नींद आ रही है उसको मैं। हाँ, तो बस आज की वीडियो इतनी थी, बाय बाय, टेक केयर।